हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका गुप्ता फ्रॉम सक्सेस सीडीज एजुकेशन। आज मैं आप सबके लिए करंट अफेयर्स लाई हूँ 11 से 17 फरवरी 2018 के लिए। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो लेट अस बिगिन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, हमें बताना है कि 2018 की वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का वेन्यू क्या था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 का थीम था पार्टनरशिप्स फॉर अ रिसिलियंट प्लैनेट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, हमें बताना है कि वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्हें उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए नेशनल साइंस डे, जो कि फरवरी 28, 2018 को होगा, उस दिन अवार्ड दिया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रागबीर सिंह खानपुर। ये है रागबीर सिंह खानपुर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनको अवार्ड देंगी क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है पंजाब के कपूरथला में साइंस सिटी को डेवेलप करने के लिए। और इन्हें नेशनल साइंस डे यानी कि फरवरी 28 को नई दिल्ली में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें बताना है कि नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है। इसका सही आंसर है केपी शर्मा ओली। ये है केपी शर्मा ओली, नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें बताना है कि साउथ अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट कौन है। इन चार ऑप्शंस में से सही आंसर है ऑप्शन डी, सिरिल रामाफोसा। ये है सिरिल रामाफोसा, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के हेड हैं। इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया है क्योंकि जो पिछले प्रेसिडेंट थे जेकॉब जुमा, उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया क्योंकि उन पर करप्शन का इल्जाम लगाया गया था। इन्हें एक साल की टर्म मिलेगी और इससे पहले ये साउथ अफ्रीका के डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें बताना है कि भारत की नई ट्राई सर्विस मैरिटाइम एक्सरसाइज कौन सी है। ऐसी मैरिटाइम एक्सरसाइज जिसमें भारतीय नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ने भाग लिया। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम लहर। पश्चिम लहर इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट यानी के पश्चिमी तट पर की गई थी और इसमें भारतीय नेवी, भारतीय आर्मी और भारतीय एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ने हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर छह में हमें बताना है कि एससीओ 2018 के होस्ट कंट्री कौन सी है। आंसर है चाइना। एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरेशिया की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी चेक करती है। इसके हेडक्वार्टर्स है बीजिंग चाइना में। ये फाउंडेशन 2001 में बनाई गई थी और इसकी मेंबर कंट्रीज है चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, बेलारस, ईरान, मंगोलिया। 2017 का एससीओ जो मीटिंग था वो अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें बताना है कि कौन से स्टेट ने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जो कि यूनियन बजट 2018-19 में अनाउंस हुई है, उससे अपने आप को बाहर कर लिया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने ये कहा है कि हमने पहले ही हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट को फ्री बना दिया है अपने स्वास्थ्य साथी प्रोग्राम के अंदर, इसीलिए अब हमें ये यूनियन गवर्नमेंट का जो नया प्लान है इसमें हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, हमें बताना है वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है। आंसर है फरवरी 13। और इस साल वर्ल्ड रेडियो डे को मनाने के लिए नई दिल्ली में भारत का पहला रेडियो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था यूनेस्को हाउस में। और वर्ल्ड रेडियो डे 2018 का थीम था रेडियो एंड स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें बताना है साउथ अफ्रीका के कौन से प्रेसिडेंट है जिन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है क्योंकि उन पर करप्शन का इल्जाम था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जेकॉब जुमा। क्वेश्चन नंबर टेन में बताना है एलपीजी पंचायत के होस्ट कौन थे। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है रशिया की नई अनमैंड कार्गो स्पेसक्राफ्ट कौन सी है। आंसर है MS-08। नेक्स्ट हमें बताना है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग इंडिया में फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज कितना है। आंसर है 21.53%।
यहाँ पर आप इस रिपोर्ट की डिटेल्स दे सकते हैं, किस स्टेट में कितना फॉरेस्ट कवर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हमें बताना है पोर्ट ऑफ डकम कहाँ पर लोकेटेड है। आंसर है ओमान में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डकम पोर्ट ओमान में। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है, इसे चाइना डेवलप कर रही है। इंडिया के पास चबाहर पोर्ट जो कि ईरान में है, उसको एक्सेस ऑलरेडी है, और अब जब इंडिया को डकम पोर्ट पे एक्सेस भी मिल गया है, तो इस एरिया में इंडिया की जो कंट्रोल है वो ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, हमें बताना है सिक्स वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां पर हुई थी। आंसर है दुबई। क्वेश्चन नंबर 15, साहित्य अकेडमी के नए प्रेसिडेंट कौन है। चंद्रशेखर कंबार। क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2018 का थीम क्या है। आंसर है इंडस्ट्री 4.0 लीप फ्रॉग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है कन्वर्जेंस ऑफ रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड्स, यानी कि रियल और कंप्यूटर की दुनिया का मिलन होना। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हर साल फरवरी 12 को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, यूनानी मेडिसिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब और कहां पर आयोजित हुई थी। इसका आंसर है ये फरवरी 11 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। यूनानी रिसर्चर हकीम अजमल खान का बर्थडे 11 फरवरी को हर साल यूनानी डे के रूप में मनाया जाता है, और इस साल इस दिन का थीम था इंटीग्रेशन ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा देश है जिसने यूनाइटेड नेशन के कॉम्प्रिहेंसिव रिफ्यूजी रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क से अपने आप को पीछे हटा लिया है। आंसर है तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बताना है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पहला हिंदू टेंपल किस शहर में बनाया जा रहा है। आंसर है अबू धाबी, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन से भारतीय स्टेट ने लूज सिगरेट की सेल पर बैन लगा दिया है। आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 21, 23rd विंटर ओलंपिक गेम्स का वेन्यू क्या है। आंसर है पियोंगचांग। 23rd विंटर ओलंपिक्स को पियोंगचांग 2018 के नाम से भी जाना जाता है, और ये विंटर ओलंपिक्स 9 से 25 फरवरी 2018 को पियोंगचांग काउंटी साउथ कोरिया में खेली जा रही हैं। इसका मैस्कॉट है सुहोरांग, जो कि एक वाइट टाइगर है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन से स्टेट ने दस्तक कैंपेन लॉन्च किया है। आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जानलेवा मच्छरों को खत्म करने के लिए दस्तक कैंपेन लॉन्च किया है, और ये कैंपेन यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की मदद से किया जा रहा है, और इसका वॉर क्राय है दरवाजा खटखटाओ, AES और JEE को भगाओ। क्वेश्चन नंबर 23, दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर्स इन 2017 कौन सा है, यानी कि किस एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पैसेंजर्स का आना जाना लगा रहता है। आंसर है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुपर आयोनिक वाटर आइस किस देश के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन 25, हमें बताना है कि भारतीय इंजीनियर जिन्हें साइटेक ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है। आंसर है विकास साथे। इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होता है, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल सक्सेस सीडीज एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।